ओ 29 मार्च नू केक भी कटे जांदे आ ते चार पैसे पै जांदा कसमान कुड़े ओ गोण वाले ता वैसे सारे चंगे ने पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े गोण वाले ता वैसे सारे चंगे ने पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े फायदे दुनिया दे लई मिसाल हो गए फैन भाई दे दुनिया दे लई मिसाल हो गए तोड़ जट दा आया नहीं 27 साल हो गए उस्ताद बब्बू मान जी जिंदाबाद हैप्पी बर्थडे फ्रॉम जम्मू कश्मीर ताड़ियां नहीं सुटी चलो जी चन चाननी रात मेहरमा टिमटिमोंदे तारे चन चाननी रात मेहरमा टिमटिमोंदे तारे ओ पिछली गली विच आज सोड़िया सोगे पिंड दे सारे चन चाननी रात मेहरमा टिमटिमोंदे तारे ओ पक्की कणक नू अग लग जाऊगी ना वटाई उत्ते नच कुड़िए ओ पक्की कणक नू अग लग जाऊगी ना वटाई उत्ते नच कुड़िए ओ एवे मुंडे आले फूक देगी कान जे ओ हो 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 ओ एवे मुंडे आले फूक देगी कान जे ना लाड वांगू मच कुड़िए होए मच कुड़िए होए मच कुड़िए पक्की कणक नू अग लग जाऊगी ना वटाई उत्ते नच कुड़िए डारी लाले आसमान ते हो हो जे तू सुटना है जाल सुट बब्बू मान ते ओ जे तू लौड़ी है डारी लाले आसमान ते जे तू सुटना है जाल सुट बब्बू मान ते ओ कहंदे अंबरा ते उड़दी कबूतरी उतार लैंदा जट कुड़िए ओ एवे मुंडे आदे फूक देगी काल जे हो मुंडे आने भूक देगी काल जे ना लाड वांगू मच कूड़िए होए मच कूड़िए होए मच कूड़िए नी पक्की कान के नू अग लग जाऊगी वट्टा युते नच कूड़िए बाजीदा नहीं ये रुतबा सब नू पाजी ना जड़ आड़े ता घाटा ला दीदा रुख मोड़ दिए तलवारा दा मित्रानु शौक है मित्रानु शौक हथियारां दा मित्रानु शौक हथियारां दा ओ इक चाका सोनिया नारां दा मित्रानु शौक हथियारां दा मित्रानु शौक हथियारां दा मोढे ते रफल दुनाली ओ जिहड़ी सिटदी रौंद नाल चाली इक जिप जिपसी काली सूटे दी होबी पाली ए वतन पीर अवतारां दा मित्रानु शौक ओ मित्रानु शौक हथियारां दा मित्रानु शौक हथियारां दा इक चाका सोनिया नारां दा मित्रानु शौक हथियारां दा मित्रानु शौक हथियारां दा नमस्कार आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, दिस इज मी आदित्य राजपूत। और अगर बात की जाए बब्बू मान की तो बब्बू मान के फैंस जो हैं वो आपने ज़्यादातर देखे होंगे पंजाब में, लेकिन आपको हम बता दें कि अब हमारे जम्मू में भी जो है वो बब्बू मान के काफ़ी ज़्यादा फैंस है। और आज हमारे साथ एक टीम है और ये शावल शाह की टीम है। और पहले मैं आपको ये तस्वीरें बता दूँगी, ये शावल शाह हैं जो कि बब्बू मान के साथ बाउंसर का काम जो है वो कर चुके हैं और काफ़ी बड़े फ़ैन हैं इनके। और आज बब्बू मान का जन्मदिन है और काफ़ी धूमधाम से जो है आज पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर केक जो है वो कट किया गया। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शावल शाह जी, इनसे हम बात कर रहे हैं। शावल शाह जी, क्या कहना चाहेंगे आज पहले बब्बू मान का जन्मदिन है, किस तरीके से मुबारकबाद देंगे आप उनको? देखिए, आज हमारे लिए जो बहुत ही खुशी का दिन है, आज हमारे उस्ताद जी का जन्मदिन है और जो कि
एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हम कह सकते हैं। हर एक सिंगर अपनी अपनी जगह में सही है, लेकिन उस्ताद बब्बू मान जी की बात ही अलग है। और हमारे लिए नहीं, सारे फैंस के लिए, मतलब आज इतना खुशी का दिन है कि हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए हमने आज यहाँ पे केक वेक कट किया है, अपने हिसाब से सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। आपने बातचीत भी की हमारे साथ, आपने कहा कि मतलब हर बार जो है पंजाब जाके सेलिब्रेट करते हैं, इस बार पंजाब का माहौल ठीक नहीं है तो इस बार जम्मू में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और भी काफ़ी ज़्यादा सिंगर हैं, लेकिन बब्बू मान में ऐसा क्या दिखाई देता है आपको कि आप उनके इतने बड़े फ़ैन हो? देखो उस्ताद बब्बू मान जी की हम बात करें तो वो एक रियलिटी बताते हैं अपने सॉन्ग में। जो हो रहा है, जो रियलिटी, जो हालात बने हुए हैं ना, तो वो अपने गीतों में बयान करते हैं। जो हमें, मतलब किसानों की बात कर लो, पंजाब के माहौल की बात कर लो, किसी की भी मतलब बात कर लो आप, वो उन्होंने रियलिटी बतानी है अपने गानों में। और जो कि हम तो मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पर, जब से मैं इनके गाने सुनता आ रहा हूँ तब से लेके आज तक, मतलब रियलिटी ही सुनी है, ऐसा कुछ फेक नहीं सुना हमने। जैसे बाकी भी सारे अच्छे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बताते कुछ हैं, होता कुछ है, ठीक है ना। उस चीज़ से हम उस्ताद बब्बू मान जी के कायल हैं, जो हमें अपनी तरफ खींचता है और हमारा प्यार उनके लिए है। अगर आप बब्बू मान के इतने बड़े फ़ैन हैं तो बब्बू मान गानों के साथ साथ शेर व शायरी भी करते हैं, कुछ शेर व शायरी हो जाए फिर? शायरी की आपने बात की तो मान साहब की शायरी आपको थोड़ी बहुत सुनाते हैं हम। जे तेरे हथों लिखी हुंदी, तेरे हथों जहर में खा लैंदा, जे सज्जन हुंदे अकलमंद ते मैं रुस्सियां नूं मना लैंदा। तू खुशी खुशी पका लैंदी, तू खुशी खुशी पका लैंदी ते मैं रुखी मिस्सी खा लैंदा। कोई ख्वाब ना मिलिया कमलिए, कोई ख्वाब ना मिलिया कमलिए, कोई ख्वाब ही नवा सजा लैंदा। दुनिया दी नज़र तो बच के मैं तेथों सत मिर्चा छुआ लैंदा। दौलत दी तू गल छड़ दे, मैं चंद अंबरां तो ला दिंदा। दौलत दी तू गल छड़ दे, मैं चंद अंबरां तो ला दिंदा। जे छड्डन तो पहला दस जांदे, जे छड्डन तो पहला दस जांदे, मैं दिल नूं गली ला दिंदा, मैं दिल नूं गली ला दिंदा। बहुत खूब। शावल शाह जी के साथ और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। सर आप कब से जो है बब्बू मान को चाह रहे हैं? सर तकरीबन मुझे बब्बू मान को सुनते लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं। छोटे थे जब उनके गाने सुनते आए हैं और अभी तक सुन रहे हैं। उनकी कोई फिल्म, कोई गाना, उनका कोई ऐसा नहीं है जो हमने सुना ना हो, देखा ना हो। और सबसे बड़ी बात है जो आप मुझे कह रहे थे कि बब्बू मान में ऐसी क्या खासियत है, वो मैं आपको खासियत बता रहा हूँ उनकी। अगर आप पूरे जहान में भी ढूंढ लेंगे ना, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं आपको मिलेगा जो खुद लिख भी रहा है, खुद म्यूज़िक भी दे रहा है, खुद गा भी रहा है और एक्टर है और एज ए प्रोड्यूसर भी है। वो एक ही एक शख्स है, वो है बब्बू मान है। सिर्फ इस हर क्वालिटी उनके अंदर है। बॉलीवुड में भी गा चुके हैं और पंजाब के वो जाने माने सिंगर हैं। मुझे लगता है कि उनके लेवल में कोई है ही नहीं है सिंगर जिनकी उतनी फ़ैन फॉलोइंग है, कट्टर फैन फॉलोइंग है। तो हम सभी जम्मू में हैं, उनके और भी फ़ैन थे काफ़ी, लेकिन टाइम हमने यही चुना जिसकी वजह से वो भी आ नहीं सके और शाम को वो सेलिब्रेट करेंगे अपने अलग ही। तो शाह जी कब से जो है आप बब्बू मान का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कितने साल हो गए? हमें तो काफ़ी साल हो गए, तब तो सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, तो जिसकी वजह से हम किसी को पता नहीं चला। जैसे लोग कहते हैं कि आप आज एक दो सालों से ही आपको देखा, लेकिन हम बचपन से, मतलब कह सकते हैं जब से होश संभाला है तब से हम उस्ताद का बर्थडे मनाते आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर। अब सोशल मीडिया थोड़ा बढ़ गया तो उसी हिसाब से थोड़ा हमने बाहर आना शुरू किया, अदरवाइज़ चल रहा है ये। लेकिन आज तक देखा गया था जम्मू में ज़्यादातर सलमान खान के फैंस हैं या फिर शाहरुख खान के फैंस हैं, लेकिन बब्बू मान के फैंस हैं जम्मू में, काफ़ी अच्छा लगा देखकर, क्योंकि पंजाब में होते थे ज़्यादातर फैन। तो ये जो आपने अपना हुलिया बना कर रखा हुआ है, क्या ये बब्बू मान के लिए? हाँ ज़रूर, ये जो मैंने मफलर डाला हुआ है इस पर भी मान साहब ने मेरे को खुद अपने पेन से ऑटोग्राफ दिया था, और मेरा ये मोबाइल इस पर भी उस्ताद ने साइन करके दिए हुए हैं। मैंने टाइम भी इस पर, मतलब कि डेट भी अपनी डाली हुई है, और भी बहुत सारा प्यार है उन्होंने जो हमें दिया हुआ, ऐसी बात नहीं है। और हम सभी तो बब्बू मान जी को मिलके आए हैं, सभी मिलके हमने सभी मिले हुए हैं बब्बू मान जी से। जी तो आप कितने साल से बब्बू मान जी के साथ जो है वो एज ए बाउंसर का काम कर रहे थे? दो साल हो गए हैं अभी। हाँ दो साल हो गए। दो साल से पहले फैन थे या दो साल के बाद फैन बने? फैन तो मैं बचपन से था, ये मेरी अचीवमेंट है कि मुझे मौका मिल गया उनके साथ काम करने का। ये तो मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को, मतलब इतने बड़े सुपर स्टार कह सकते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं हर जगह पे, मतलब उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ मुझे मतलब मौका मिला एक काम करने का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने गानों में, जो सॉन्ग्स में होता है, एक सच्चाई होती है। जो आजकल के सिंगर, तो बिल्कुल जो आजकल का म्यूज़िक आप सुनते हो
बहुत बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। आज 20 साल पहले के म्यूजिक को सुन लो बब्बू मान के, आज भी आपको बिल्कुल फ्रेश लगेंगे। कोई वो नहीं है कि आज भी आप सुनोगे इतना, मतलब हर एक सॉन्ग में एक सुकून है, एक सच है जो बार बार सुनने का मन करता है। हम तो बचपन से बहुत छोटे थे जब से सोन दी चढ़ी एल्बम आई थी तब से उनके फैन है, छोटी उम्र थी तब कैसेटों का जमाना था, जो डेक होती थी कैसेटों का, आज तो चलो पेन ड्राइव चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, 4G चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन हम तब भी छोटे छोटे बच्चे थे तो उनकी कैसेटें बाजार से खरीद कर तब सुनते थे। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, CD का जमाना आया, तो फिर उसके बाद CD में चलता, फिर उसके बाद इंटरनेट आया, तो हमारी जो प्लेलिस्ट थी 20 साल पहले जो गाने थे आज भी हमारे मोबाइल में वही गाने चल रहे हैं और सभी मोबाइलों में मिलेंगे आपको, हर हमारी प्लेलिस्ट में वही सुन रहे हैं, उनको इतना प्यार करते हैं उनसे कि हम आने ही नहीं देते। लगता है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, लेकिन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे क्योंकि इनकी अगर बात की जाए तो मेरे को लगता है कि ये पंजाबी एक्टर भी हैं शायद, ऐसे ही उनकी भी लुक वैसे ही है, हेयर स्टाइल भी वैसा ही है, शायद आपको ज़्यादा कमेंट्स आएंगे। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज रहेगा आप लोगों का? सर आखिर में हम यही मैसेज देना चाहते हैं बब्बू मान जी को कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ पंजाब में नहीं है, अदरवाइज सभी जानते हैं हरियाणा में भी बहुत बड़ा इकट्ठ होता है, जब उनका कोई शो होता है बहुत बड़ा इकट्ठ होता है, जम्मू में भी वो आए हमारा वेलकम है और हम सभी को इकट्ठा करेंगे, तो वैसे ही बब्बू मान साहब आएंगे तो सभी इकट्ठे हो ही जाएंगे, हम दीदार कर रहे हैं उनका, एक बार आए तो हम दीदार करें उनका। बब्बू मान जी के कि ये होता है कि आज कोई आजकल की जनरेशन ये है कि आज कोई नया सिंगर आ जाए तो उसका फैन हो जाना है, कल कोई दूसरा सिंगर आ जाए उसका फैन हो जाना है, लेकिन हम 20 साल से बब्बू मान के फैन हैं, फैन रहेंगे और फैन आगे भी जब तक हमारी लाइफ रही तब तक उनको ही सुनते रहेंगे और उन्हीं के कट्टर फैन हैं हम। इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक वो ही जो आपने केक काटते हुए गाना सुनाया था 29 मार्च वाला, वो सुनना चाहूंगा। 80 मुंडे जम्मू तो फैन खंट वाले मान दे कोई तोड़ नहीं उस बंदे दा, चाहे आजावन सिंगर जहान दे, पंजाब पंजाबी पंजाबियत जिन्हें लाया है नारा, पंजाब पंजाबी पंजाबियत जिन्हें लाया है नारा, नाम है ओदा बब्बू मान है जिन्हों जानदा है जग सारा, किसाना दे नाल खड़दा है, किसाना दे नाल खड़दा है ते हक सच दी कहंदा है, किसाना दे नाल खड़दा है ते हक सच दी कहंदा है, गीता राही दिंदा जवाब ते सुकून सबरदा लैंदा है, ते सुकून सबरदा लैंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख असी आपस च हां भाई, हिंदू मुस्लिम सिख असी आपस च हां भाई, इंसानियत तो वड्डा कोई धर्म नहीं, सानू गुरुआ ने यह गल सिखाई, सानू गुरुआ ने यह गल सिखाई। आप जो आपने 29 मार्च पे गाना गाया था वो एक बार गा जी पढ़ो। ओ 29 मार्च नू केक भी कटे जांदे आ ते चारे पासे पै जांदा कमसान कुड़े, गौण वाले ता वैसे सारे चंगे ने पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े, गौण वाले ता वैसे सारे चंगे ने पर खुंड पुराना बैठा बब्बू मान कुड़े, फैन भाई दे दुनिया दे लई मिसाल हो गए, फैन भाई दे दुनिया दे लई मिसाल हो गए, तोड़ जट दा आया नहीं 27 साल हो गए, हैप्पी हैप्पी बड़े मान साहब, मान जिंदाबाद, बब्बू मान जिंदाबाद, शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ बब्बू मान के कुछ फैंस जो कि जम्मू से हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो देखा गया था कि बब्बू मान के जो फैंस हैं वो पंजाब में हैं, लेकिन अब जम्मू में भी बब्बू मान के फैंस जो हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि पंजाब का माहौल जो है वो ठीक नहीं था, इस कारण जो है ये पंजाब में जाकर सेलिब्रेट जो है वो नहीं कर पाए। आपको कैसी लगी ये वीडियो और आप भी क्या बब्बू मान के फैन हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर राय ज़रूर रखिएगा, तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ।